Hello everyone, welcome to the International Institute of Fitness and Alternative Sciences. आज की इस ट्रेनिंग में हम देखेंगे कि हमारे हाथ की हथेली में कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं, कहाँ आती है हमारे हाथ में हमारे ऑर्गन्स के लोकेशन, यही सब चीजें हम आज इस ट्रेनिंग में जानेंगे और सीखेंगे. सो आप इसको बहुत ध्यान से सीखेगा और बताए हुई हर बात को जरूर नोट करिएगा और इसका डायग्राम भी जरूर बना लीजिएगा, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत आसानी होगी और इसे याद रखने में भी बहुत आसानी होगी. सो चलिए हमारे हाथ में हमारे ऑर्गन्स के लोकेशन को सीखते हैं. जैसे हमने पहले की ट्रेनिंग वीडियोस में सिमिलैरिटी के प्रिंसिपल को जाना और समझा और देखा कि जैसा हमारा शरीर है उसी के सिमिलर हमारा हाथ भी है. सो जब हमारे हाथ को ऐसे देखने की कोशिश करते हैं जिसमें हमारी स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों आर्म्स का काम करती है और हमारे रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों लेग्स का काम करती है, जो हमारी फिफ्थ एक्सटेंशन है हमारा थंब हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है. सो हमारे हाथ की हथेली हमारे शरीर में हमारे ट्रंक को रिप्रेजेंट करती है. सो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारा पूरे का पूरा सिस्टम हमारी हाथ की हथेली पे आता है. तो जैसा हमारा शरीर है, जो ये हमारा ट्रंक एरिया है, इसमें जो अपर पार्ट है वो चेस्ट का है. उसके बाद जो मिडल पार्ट है जिसमें नेवल के अपर पार्ट को अपर एब्डोमेन कहा जाता है और नेवल के लोअर पार्ट को लोअर एब्डोमेन कहा जाता है. सो यही तीन पार्टों में बटा हुआ हमारा ट्रंक एरिया है. सो अब हम क्या करेंगे, हमारी हाथ की हथेली को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसके लिए हमें दो हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार से खींचनी है हमारे पाप में, जिससे हमारे हाथ की हथेली तीन पार्ट में डिवाइड हो चुकी है. सो जैसे आप देखेंगे कि मैंने हाथ की हथेली को दो हॉरिजॉन्टल लाइन से तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिससे हमारे चेस्ट का एरिया हमारी हाथ की हथेली तीन हिस्सों में बट गई. हमारी हाथ की हथेली जो पहला पार्ट है वो है अपर पार्ट, दूसरा हमारा मिडिल पार्ट और तीसरा हमारा लोअर पार्ट. अपर जो पार्ट है वो चेस्ट का एरिया है जिसमें दो ऑर्गन आते हैं, पहला हार्ट और दूसरा लंग्स, राइट लंग और लेफ्ट लंग. आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको ड्रॉ करना है. सो आप इस प्रकार से देख सकते हैं ये जो फर्स्ट एरिया है वो चेस्ट का एरिया है जिसमें दो ऑर्गन आते हैं, पहला है हार्ट और दूसरा लंग्स, जो हमने इस प्रकार से ड्रॉ किया, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं. उसके बाद मिडल पार्ट में आता है लीवर, यहाँ पे राइट साइड में आता है लीवर, और यहाँ पास में आता है गॉल ब्लैडर, और उसके बाद आता है स्टमक, और यहाँ पे साइड पे आती है स्प्लीन, और यहाँ पे नीचे आती है हमारी पैनक्रिया. तो आप यहाँ पे इस प्रकार से देख सकते हैं. सो उसके बाद हमारी हाथ की हथेली में जो सेकंड एरिया आता है उसमें हमारी राइट हैंड साइड में आता है हमारा लीवर, और उसके बाद आता है गॉल ब्लैडर, उसके साथ में आता है हमारा स्टमक, स्टमक के बाद आता है स्प्लीन, स्प्लीन के बाद आती है हमारी पैनक्रियास. तो आप इस प्रकार से इसको देख सकते हैं. इसके बाद लास्ट पार्ट में यहाँ राइट से अपेंडिक्स आती है, और यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी असेंडिंग कोलोन, फिर यहाँ को इस साइड को जाती है ट्रांसवर्स कोलोन, और यहाँ को नीचे की तरफ आती है आपकी डिसेंडिंग कोलोन. सो इसको पूरे का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन कहा जा सकता है. आप देख सकते हैं इस प्रकार से. सो हमारे लास्ट पार्ट में यहाँ राइट साइड में आती है हमारी अपेंडिक्स, यहाँ से ऊपर की ओर जाते हैं तो आती है असेंडिंग कोलोन, यहाँ से साइड पे जाते हैं तो आती है ट्रांसवर्स कोलोन, यहाँ से नीचे की ओर जाते हैं तो होती है डिसेंडिंग कोलोन. सो इस पूरे के पूरे ट्रैक को लार्ज इंटेस्टाइन भी कहा जाता है. सो यहाँ बीच में आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, आप देख सकते हैं इस प्रकार से. इसके बाद जो आपकी मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर है, इसके जो एग्जैक्ट सेंटर वाला एरिया है, ये एरिया वो है यूरिनरी ब्लैडर और यूरोजेनाइटल एरिया. अगर हम फीमेल्स की बात करें और फीमेल्स का जब हम ट्रीटमेंट करेंगे, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आती है राइट ओवरी, और लेफ्ट साइड में आती है लेफ्ट ओवरी, और सेंटर में आता है यूट्रस, और मेल में ये पूरे के पूरा जो एरिया है वो है यूरोजेनाइटल एरिया. सो आपने देखा कि किस प्रकार हमारे बॉडी का पूरा सिस्टम हमारे हाथ के हथेली पे आता है. तो उसमें जो अपर पार्ट है जिसमें हमारा हार्ट और लंग्स आता है, मिडिल पार्ट में आता है हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन एंड पेनक्रियास, और जो हमारा लोअर पार्ट है, जो हमारा सबसे लास्ट पार्ट है, उसमें आती है हमारी अपेंडिक्स, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे जो सेंटर में एग्जैक्ट सेंटर में जो एरिया है उसमें आता है हमारा यूरोजेनाइटल एरिया और यूरिनरी ब्लैडर,
फीमेल्स में राइट साइड में आती है राइट ओवरी, लेफ्ट साइड में आती है लेफ्ट ओवरी, और सेंटर में आता है यूट्रस, और मेल में ये पूरे का पूरा एरिया हो जाता है यूरोजेनाइटल एरिया। सो आपने देखा किस प्रकार से हमारे शरीर का पूरा सिस्टम हमारी हाथ की हथेली पे आता है। सो आप इसे अच्छे से देख लीजिए और इसे अच्छे से मार्क कर लीजिए आपके हाथ पे, और इसका डायग्राम आप अपने बुक में भी बना लीजिए, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में और याद रखने में बहुत आसानी होगी। इसी चीज को अब हमारे राइट हैंड में भी सीखने की कोशिश करते हैं। तो हमारे राइट पाम को भी हम तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जिसके लिए हमें दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। तो मैं यहां से दो हॉरिजॉन्टल लाइन इस प्रकार से खींच दूंगा, जिसे हमारी हाथ की हथेली तीन पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। सो मैंने यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन खींची, जिससे हमारा पाम तीन पार्ट में डिवाइड हो चुका है, जिसमें जो अपर पार्ट है उसमें आते हैं दो ऑर्गन, जो है हमारा हार्ट और है लंग्स, जिसमें आप देखेंगे ये हो गया हमारा हार्ट और ये हो गए हमारे लंग्स। उसके बाद आता है राइट साइड में हमारा लिवर, यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में आ गया हमारा लीवर इस साइड में, और यहाँ पे साइड में आता है गॉल ब्लैडर, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया गॉल ब्लैडर। उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा स्टमक, यहाँ पे आ गया हमारा सेंटर में स्टमक। उसके बाद हमारी लेफ्ट साइड में आती है स्प्लीन, आप देख सकते हैं इस प्रकार से आती है लेफ्ट साइड में स्प्लीन, और यहाँ पे नीचे आती है हमारी पैनक्रियाज, आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गई हमारी पैनक्रियाज। उसके बाद लोअर पार्ट में यहाँ राइट साइड में आती है अपेंडिक्स, यहाँ पे आप देख सकते हो राइट साइड में आती है अपेंडिक्स। तो यहाँ से ऊपर की ओर जाते हो तो असेंडिंग कॉलोन, यहाँ पे साइड को जाते हो तो ट्रांसवर्स कॉलोन, और नीचे की ओर जाते हो तो डिसेंडिंग कॉलोन, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो इसको हम पूरे का पूरा लार्ज इंटेस्टाइन भी कह सकते हैं, ये पूरे का पूरा हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, और इसके बीच में आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीच में आती है। उसके बाद जो हमारी दोनों मिडल फिंगर्स है, हमारी रिंग फिंगर और मिडल फिंगर, इसके एग्जैक्ट सेंटर में आता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरोजेनाइटल एरिया। सो फीमेल्स में राइट साइड में राइट ओवरी और लेफ्ट साइड में लेफ्ट ओवरी, और सेंटर में आ गया यूट्रस, आप देख सकते हो राइट साइड में राइट ओवरी लेफ्ट साइड में लेफ्ट ओवरी, और सेंटर में आ गया यूट्रस, और मेल में ये पूरे का पूरा एरिया हो गया यूरोजेनाइटल एरिया। सो आप इसको एक बार फिर से समझ लेंगे, जो अपर एरिया है हमारा चेस्ट का एरिया है, जिसमें दो ऑर्गन आते हैं, पहला है हार्ट और दूसरा है लंग्स। उसके बाद मिडिल एरिया में आता है हमारा लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन एंड पैनक्रियास। उसके बाद जो हमारा लोअर पार्ट है, लोअर एरिया है, वहाँ राइट साइड में आती है अपेंडिक्स, यहाँ से हमारी लार्ज इंटेस्टाइन आती है, यहाँ बीच में आती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ एग्जैक्ट सेंटर वाला एरिया है यूरिनरी ब्लैडर और यूरोजेनाइटल एरिया का। जब हम फीमेल की बात करते हैं तो राइट साइड में आती है राइट ओवरी, लेफ्ट साइड में आती है लेफ्ट ओवरी, सेंटर में आता है यूट्रस, और मेल्स में ये पूरा का पूरा एरिया हो जाता है यूरोजेनाइटल एरिया। सो आप देख सकते हैं किस प्रकार हमारे बॉडी का पूरा सिस्टम हमारे हाथ की हथेलियों में आता है। इसके साथ साथ एक और ऑर्गन की बात करेंगे, जो है किडनी। सो अभी किडनीज की लोकेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे लोकेट करते हैं, अभी हम उसको देखते हैं। सो जिस प्रकार से हमने स्पाइन की लोकेशन को पहले की ट्रेनिंग वीडियोज में सीखा, तो उसी के आधार पर हमारे स्पाइन के दोनों साइड पे आती है हमारी किडनी। हमारे जब फिंगर्स को हम ऐसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे सेंटर में आपको एक चैनल फील होता है, जो कि हमारी स्पाइन होती है, बैकबोन होती है। तो इसके दोनों साइड पे आती है हमारी किडनीज। तो किडनीज को फाइंड करने के लिए हमारी इंडेक्स फिंगर को आप इस प्रकार से ओपन करते हैं, तो जब आप यहाँ पे प्रेस करते हैं तो जहाँ पे ये बोनी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है वहीं पे आती है आपकी किडनी। तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेते हैं, आपने देखा इस प्रकार से हमने किडनी को मार्क कर दिया। इसी प्रकार से हम दूसरी किडनी को भी लोकेट करेंगे। जब हमारी फिंगर को ऐसे इस प्रकार से ओपन करते हैं तो यहाँ से भी एक चैनल फील होता है, जहाँ तक ये चैनल जाता है, जहाँ पे बोनी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे जब आप प्रेस करोगे तो आपको थोड़ा लाइटली पेन फील होगा, तो वहाँ पे आती है हमारी दूसरी किडनी। तो हम उसको इस प्रकार से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा रहेगा हमें दोनों के दोनों किडनीज हमारी यहाँ पे इस प्रकार से मिल जाती है। इसी को अब हमारे दूसरे हाथ में भी समझने की कोशिश करेंगे। जब हमारे हाथ को ऐसे ओपन करने की कोशिश करते हैं तो सेंटर में हमें हमारी स्पाइन की लोकेशन मिल जाती है, तो दोनों साइड पे आती है हमारी किडनी। पहली किडनी की लोकेशन को ढूंढने के लिए हम इंडेक्स फिंगर को ओपन करेंगे, जहाँ पे डिप्रेशन खत्म होता है और बोनी स्ट्रक्चर स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे आपको स्लाइटली पेन भी फील होगा, वहाँ पे आती है आपकी किडनी। तो हम उसको मार्क कर लेंगे।
आपने देखा इस प्रकार से हमने किडनी को मार्क कर लिया, दूसरी किडनी को भी मार्क करेंगे तो यहाँ पे हम स्मॉल फिंगर को भी इस प्रकार से ओपन करते हैं, तो यहाँ पे भी आपको एक डिप्रेशन फील होगा। तो जहाँ पे ये डिप्रेशन खत्म होता है और बोनी स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है वहाँ पे आती है हमारी दूसरी किडनी की लोकेशन, तो हम उसको मार्क कर लेंगे। तो आपने देखा हमने दोनों किडनीज की लोकेशन को दोनों हाथों में इस प्रकार से मार्क कर लिया। तो आप देख सकते हैं हमने किस प्रकार से हमारे सब ऑर्गन्स को हमारे हाथ की हथेली पे इस प्रकार से मार्क कर लिया है। तो आप इसको अपने हाथ पे ज़रूर मार्क करके इसकी प्रैक्टिस करिए, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखने में और समझने में बहुत आसानी होगी। इसके साथ साथ आप इसका डायग्राम अपने नोटबुक में भी ज़रूर बना लीजिए। तो अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से इन पे जनरल ट्रीटमेंट किया जाता है अगर किसी पर्सन को चेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। सो चेस्ट से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है? सो चेस्ट के एरिया में कहीं पे पेन होता हो, सांस लेने में दिक्कत हो या सांस छोड़ने में दिक्कत हो, सो उसके लिए क्या करना होता है? इस प्रकार की एक्यूप्रेशर की जिम्मी होती है, इसे हमें जो हमारा चेस्ट का एरिया है, जो अपर एरिया है, उसे 1 से 3 मिनट तक इस प्रकार से स्टिमुलेट किया जाता है। तो आप देखेंगे कि जिस पर्सन को चेस्ट के एरिया में हैवीनेस फील हो रहा था, पेन फील हो रहा था, तो उसमें उसको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जो सांस लेने में और सांस छोड़ने में दिक्कत हो रही थी, उसमें भी उसको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद हम सेंटर पोर्शन की बात करें, जिससे रिलेटेड प्रॉब्लम फैटी लीवर हो, गॉल ब्लैडर स्टोन हो, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो, भूख ज्यादा लगती हो, कम लगती हो, स्प्लीन यानी हीमोग्लोबिन कम बनता हो या खाया पिया बलगम बन जाता हो, पैनक्रियाज यानी डायबिटीज हो, सो इसमें आपको क्या करना होता है? जो आपका मिडल एरिया है, जिसमें आपका लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टमक, स्प्लीन एंड पैनक्रिया, ये पूरे ऑर्गन आते हैं, तो वहाँ पे हमें 1 से 3 मिनट तक रोज स्टिमुलेट करना होता है इस प्रकार से, जिससे हमें उनमें बेनिफिट मिल जाता है। इसके बाद हम लोअर एरिया की बात करें, जिसमें हमारा लोअर एब्डोमेन आता है, सो इससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो या यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, यूरिन जल्दी जल्दी आता हो और यूरिन पे कंट्रोल ना हो, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम, ओवरीज में सिस्ट हो या यूट्रस में फाइब्रॉइड्स हो, या मेल में प्रोस्टेट एनलार्ज हो, यूरिन कंट्रोल करने में प्रॉब्लम हो, या रात को उठ के बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता हो, प्री मेच्योर एजुकेशन या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो, सो उसमें हमें क्या करना चाहिए? हमारा जो लोअर पार्ट है, लोअर एरिया है, लोअर एब्डोमेन का एरिया है, उसे इस प्रकार से 1 से 3 मिनट तक स्टिमुलेट किया जाता है रोज, जिससे आपको इन प्रॉब्लम्स में बेनिफिट मिल जाता है। सो ये एक जनरल ट्रीटमेंट है, आगे जाके हम इसे डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अगर किसी पर्सन को फैटी लिवर है तो उसमें क्या करना चाहिए, डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो उसमें ओवरऑल क्या करना चाहिए, तो उसकी डिटेल वीडियो आपको धीरे धीरे आगे मिल जाएगी। आज की ट्रेनिंग में आपको मेनली ऑर्गन्स की लोकेशन को क्लियर करना था कि लेफ्ट हैंड में इनकी लोकेशन कहाँ आती है और राइट हैंड में इनकी लोकेशन कहाँ आती है, कैसे इनको लोकेट किया जाता है और किस प्रकार से इनको ड्रॉ किया जाता है आपके राइट हैंड में और लेफ्ट हैंड में। तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं और आप इसको अपने हाथ पे इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं, जिससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी और इसे याद रखने में आसानी होगी। और आप इसका डायग्राम आप अपने नोटबुक में भी ज़रूर बना लीजिए, जिससे आपको ये याद रखने में और समझने में बहुत आसानी होगी। तो इतनी ही जानकारी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। थैंक यू।